चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत का सामना पाकिस्तान से हुआ था। फाइनल में पाक ने भारत को 180 रन से हरा दिया था। इस मैच में पाक के सलामी बल्लेबाज फखर जमान ने शानदार शतक लगाया था। फखर की पारी की वजह से पाक ने 338 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। हाल में फखर ने एक इंटरव्यू मैच के दौरान हुई कुछ घटनाओं के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे कोहली उनको लगातार परेशान कर रहे थे। जनाब अब्बास को हाल में दिए इंटरव्यू में फखर जमान ने मैच के दौरान हुई कुछ घटनाओं एक के बारे में बताया। जनाब अब्बास ने ट्वीट कर बताया कि फखर ने अपने इंटरव्यू में बताया कि टीम इंडिया के कप्तान लगातार उन्हें मैदान पर परेशान कर रहे थे, लेकिन जब मैंने शतक बना लिया तो उन्होंने मुझे बधाई दी। मैंने धोनी की तरफ भी देखा, उन्होंने मुझे देखकर भी कुछ नहीं कहा। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में फखर ने शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने फाइनल में 104 गेंदों में 114 रन की पारी खेली थी। उनकी इस पारी की वजह से ही पाक ने भारत के सामने 338 का विशाल स्कोर खड़ा किया था। फाइनल में खेली गई उनकी इस पारी की वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला था। जमान ने फाइनल से पहले भी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना डेब्यू किया था। चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने 2 अर्धशतक और 1 शतक लगाया था। पाकिस्तान ने पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में उलटफेर करते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। सेमीफाइनल में पाक ने सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी, जहां उसने भारत को हराकर पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा किया था।